स्वच्छता को लेकर फिरोजाबाद की गिरती साख पर छात्र ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, सुझाव एवं कार्रवाई की बात कही। जिलाधिकारी को पत्र लिख के कार्रवाई की मांग की। मैंने डीएम महोदय श्रीमती नेहा शर्मा जी को पत्र लिखा गया, उनसे आग्रह किया गया है कि जो स्वच्छ भारत मिशन की फिरोजाबाद में स्थिति है वो निंदनीय है। फिरोजाबाद स्वच्छ भारत की श्रेणी में काफ़ी निचले स्तर पर एकांकित है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि स्वच्छ भारत की स्थिति में प्रावधान के साथ साथ सुधार लाया जाए, जिससे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अग्रिम पंक्ति में आ सके। मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि जो जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जैसे कि पंचायती राज विभाग और गाँव के प्रधान एवं नगर निगम एवं नगर पालिकाएँ, उनको जितना धन आवंटित किया गया था उस धन आवंटित राशि की जांच होनी चाहिए। अगर कार्य धन आवंटित राशि के अनुरूप नहीं पाया गया हो तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि जब स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विजय किरण आनंद फिरोजाबाद में उन्होंने प्रस्थान किया था तो संबंधित अधिकारियों को डांट फटकार लगाई थी, उसके बावजूद भी फिरोजाबाद जिले की स्थिति स्वच्छता के संदर्भ में जस की तस बनी हुई है। कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं इन संबंधित अधिकारियों द्वारा, और जिसके कारण फिरोजाबाद जिले की स्थिति निंदनीय है और फिरोजाबाद जिला 375वीं रैंकिंग पर एकांकित है अफसरों की मिलीभगत के कारण। मैंने डीएम महोदया से आग्रह किया है कि जिस प्रकार उन्होंने अवैध बसों पर चाबुक चलाया था, उसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग उन्हें स्वतः ही करनी चाहिए। अगर उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग स्वतः नहीं करी गई या जांच स्वतः नहीं करी गई तो जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के कारण इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और कोई भी कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाएगी। सर, धन्यवाद।